भाइयों और बहनों, हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उस पर भी आगे बढ़ रही है। ये बिल भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व में यदि कहीं भी मां भारती में आस्था रखने वाले किसी बेटे बेटी को प्रताड़ित किया जाएगा तो वो कहां जाएगा? क्या उसके पासपोर्ट का रंग ही देखा जाएगा? क्या रक्त का कोई रिश्ता नहीं होता है? 5 दिसंबर 2012 को भारत की लोकसभा के सांसद एक चिट्ठी तैयार करते हैं। इससे पहले 26 नवंबर 2012 को 25 राज्यसभा सदस्य भी ऐसी ही एक चिट्ठी तैयार कर चुके थे। इन चिट्ठी को तैयार करने में भूमिका निभाने वाले सूत्रधार का नाम था मोहम्मद अदीब, जो कि उस दौरान निर्दलीय सांसद थे। ये दोनों ही चिट्ठियां 23 जुलाई 2013 को अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी आवास व्हाइट हाउस को फैक्स की जाती है। इन चिट्ठियों में मोहम्मद अदीब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से अपील करते हैं कि मोदी को वह अमेरिका का वीजा न देने की नीति पर कायम रहे। इन 65 सांसदों का संबंध भारत के 12 राजनीतिक दलों से था और ये सभी चाहते थे कि अमेरिका ने वर्ष 2002 के गुजरात प्रकरण पर मोदी को वीजा नहीं देने का जो फैसला किया था वह बरकरार रहे। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद अदीब जैसे सेकुलर लोगों को उस वक्त एहसास हो चुका था कि भारत में एक ऐसे नेता का उदय हो रहा है जो भारत की संस्कृति और अस्मिता को कैद करने की उनकी नीति से आजाद करा सकता है। देश के हिंदुओं के टैक्स पर पलने वाले मोहम्मद अदीब जैसे लोग हिंदुओं का हक एक विशेष समुदाय को सबसे पहले देकर हिंदुओं को किनारे कर चुके थे। यह सब आज संयोग नहीं है कि पतझड़ का मौसम गुजर चुका है और बसंत के हरे भरे पात मस्ती से फटक रहे हैं। इसके लिए हिंदुओं को अपमान से लेकर अपने ही देश में अलग थलग करने की चालें चली गई। आज सब हिसाब पूरे हो रहे हैं, यानी यह केवल नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं था बल्कि हिंदुओं के सिरे पर सीधी चोट थी, क्योंकि मोदी का उदय हिंदुओं की उम्मीदों के रूप में हुआ था। 3 तलाक की कहानी किताबों में जा चुकी है और कश्मीर का अनुच्छेद 370 व 35 एक इतिहास बन चुका है, जबकि आज नागरिकता संशोधन बिल यानी कैब भी हिंदुओं के भविष्य के लिए एक चमकता तबका है। एनआरसी अपने अंतिम पड़ाव में है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाले वक्त में जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। यानी भारत धीरे धीरे एक सुरक्षित माहौल की तरफ बढ़ रहा है। केवल कुछ लोग थे जो वोट बैंक को अपनी ताकत का आधार मानकर इस देश के सर्वे सर्वा बन जाना चाहते थे। नागरिकता संशोधन बिल के बाद अब उस कचरे के लिए मुसीबत बनने वाली है जो कंटीली तारों के नीचे से खिसक कर भारत में दाखिल हुआ था। यह वे लोग हैं जो भारत में घुसे जरूर, पर इनकी मानसिकता गद्दारी वाली ही रही, जबकि हिंदू सिख बौद्ध पारसी ईसाई जो इस मुल्क में शरणार्थी बनकर आए वे इसी देश की संस्कृति में रच बस गए। उनसे देश को कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, पर म्यांमार बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो कचरा आया उनसे तो पूरा विश्व ही परेशान है। इस कचरे ने चारों ही देशों में गंद फैलाई है। खास बात यह है कि शेष सभी शरणार्थी ने कभी इस देश की सरकार से खुद को नहीं छुपाया, मगर यह कचरा यहां अपराध और जिहाद की भूमिका का सूत्रधार बन गया। इन्हें लगा कि वोट बैंक की राजनीति का केंद्र बन चुका यह देश उनके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह है। इस देश की सरकारें उन्हें अपना वोट बैंक बनाकर सिर माथे पर बिठाएगी। इसका मतलब यह है कि इस देश को इन्होंने रद्दी का टोकरा समझ लिया था, जिसमें यह कचरा धीरे धीरे इकट्ठा होता चला गया। पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ी। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन देशों से ये भागकर हिंदुस्तान आए थे वहां पर तो इन्होंने अन्य धर्मों वालों पर अत्याचार किए ही, यहां आकर भी इन्होंने संगठित गिरोह बनाकर हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
जिसके बाद पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में, कई जिलों में यह बहुसंख्यक बन गए, यानी अपने ही जिले में हिंदू अल्पसंख्यक बनता चला गया। इनकी जिहादी सोच के चलते हिंदुओं का प्लान दूसरे राज्यों या शहरों की तरफ तेजी से हुआ। इस वक्त भारत में अकेले बांग्लादेश के 2 करोड़ घुसपैठिया है। यह संख्या समूचे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। इसके अलावा 40,000 रोहिंग्या भी यहां जमे हुए हैं। अकेले पश्चिम बंगाल में 57,00,000 घुसपैठिया हैं, जिनकी ममता बनर्जी को फिक्र हो रही है। नागरिकता संशोधन बिल पर विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध उनकी मानवतावादी सोच को नहीं दर्शाता, बल्कि उनकी वोट बैंक की राजनीति का दर्द बयां करता है। क्योंकि अगर यह इतने ही मानवतावादी होते तो अपने ही देश में शरणार्थी बने कश्मीरी पंडितों पर इनका रवैया अलग नहीं होता, और शायद तब इन्होंने गोधरा को भूलकर बराक ओबामा को भी 2-2 चिट्ठियां नहीं लिखी होती, क्योंकि इन्हें उस वक्त मोदी याद था, पर गोधरा की रेलगाड़ी आज भी किसी को याद नहीं आती। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।